करीब 5,500 किलोमीटर की दूरी, दो अलग अलग देशों की संस्कृति, दो अलग अलग मुल्कों के दो अलग अलग लोग और एक रिश्ता। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई एक ऐसी शादी की है जो अपने आप में अनोखी है। एटा के एक सामान्य किसान परिवार में रहने वाले इंजीनियर की शादी इस बार स्वीडन से आई एक लड़की के साथ हो रही है। ये प्यार 10 साल पहले इन दोनों की जिंदगी में आया और आज ये रिश्ता मुकम्मल हो रहा है। वैदिक मंत्रों के बीच स्वीडन से आई क्रिस्टल की शादी इस बार एटा के रहने वाले पवन से हो रही है। ये रिश्ता इसलिए भी खास है क्योंकि इसका जरिया सोशल मीडिया है। फेसबुक पर 2012 में मिले क्रिस्टल और पवन इस बार विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाली जिंदगियां खूबसूरती से बीते। साल 2012 में एटा जिले के रहने वाले पवन कुमार की दोस्ती स्वीडन की रहने वाली क्रिस्टल रेबर्ग से हुई थी। इसके बाद दोनों लोगों के बीच प्यार हुआ और दोस्ती और प्यार के बीच 5,538 किलोमीटर की दूरी आड़े नहीं आ सकी। क्रिस्टल 10 सालों के अंदर पवन की ऐसी जीवन साथी बन गई जिनसे सारी जिंदगी साथ रहने का वादा मांगा गया। क्रिस्टल को पवन ने प्रपोज किया और इसके बाद दोनों ने शादी के लिए हामी भरी। बीते कुछ सालों में शादी के रिश्ते को मुकम्मल बनाने के लिए यह फैसला हुआ कि शादी हिंदुस्तान के रीति रिवाज से होगी। वैदिक मंत्रों के बीच क्रिस्टल और पवन ने इस सपने को पूरा किया। पवन DRDO की देहरादून में स्थित इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में रिसर्च फेलो के रूप में काम कर चुके हैं। फिलहाल क्रिस्टल और पवन दोनों बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं। पवन का मन है कि वो स्वीडन में ही सेटल हो जाएं। वहीं क्रिस्टल भी उनके इस फैसले से काफी खुश है। फिलहाल उन्होंने ये फैसला किया है कि हिंदू रीति रिवाज के बाद अब ईसाई रीति रिवाज से भी दोनों स्वीडन जाकर शादी करेंगे। पवन फिलहाल एटा जिले के अवागढ़ कस्बे में रहते हैं। उनके परिवार के लोग क्रिस्टल को बहु मान चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो देशों की अलग संस्कृतियों के बीच अगर एक जरिया इन दोनों को साथ जोड़ता है तो वो बस प्यार है। वही प्यार जिससे दुनिया के सारे रिश्ते एक साथ बनते हैं, जिससे दूरियां खत्म हो जाती हैं। फिर चाहे रीति रिवाज कोई हो, भाषा बोली कुछ हो, या मुल्क और शहर अलग अलग हो। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।